तो अभी क्या हुआ, पंकज भाई का बाइक मैंने चला रहा हूँ, निंजा 300, वो मैं कहते थोड़ा गाइस वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग बहुत ही लंबा हो गया था, मेरे को शायद 30 मिनट का होगा ऐसा लग रहा था, तो एक ब्लॉग करने वाला था, तो जब एडिट करने बैठा तो 45 मिनट्स का ब्लॉग हो गया, तो इस वजह से इसका क्या किया, दो पार्ट कर दिया। तो ये बस इसका इंट्रो एक दे रहा हूँ, तो कुछ ऐसा प्लान नहीं था, तो सडनली प्लान कर दिया ब्लॉग का दो पार्ट करने का। तो ये अपना जो आप देख रहे हो ये सेकेंड पार्ट है, और पहले पार्ट आप देख चुके होंगे, ये सेकंड पार्ट इसके एक या दो दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा इसको। तो आप चलिए फिर एंजॉय कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी चल रहे हैं, तेरे से पूछता डायलॉग ज़्यादा तो नहीं, अभी मतलब आधा से आधा आए हैं बस, और ये बहुत टाइम है, अभी थोड़ा ही ऊपर उठे हैं, पूरा सांस फूल रहा है, अभी पूरा पत्थर ही पत्थर है हर तरफ, देख सकते हो पूरा पसीने में मैं पर नहा चुका हूँ, मेरा पूरा स्टैमिना भी नहीं है चढ़ने के लिए, भूखा था सुबह से, अब नीचे थोड़ा बिस्कुट वगैरह खाया और एक समोसा वगैरह खा लिया, समोसा से आलू चौ वगैरह खाया हूँ, सुबह चढ़ रहा हूँ, बस पत्थर ही पत्थर हर तरफ, पता नहीं था इतना ट्रैकिंग करना पड़ेगा, इधर 150 से 200 किलोमीटर हो गया होगा मेरे को बाइक राइडिंग करते हुए, 200 से ऊपर क्या, फिर अभी ट्रैकिंग कर रहा हूँ पूरा, ये माउंटेन चढ़ने में हालत का टाइट हो जा रहा है, अपना तो जो वजन है वजन है, फिर उसमें बैग है, बैग में करीबन 2 पानी बोतल है, रेन सूट वगैरह, बैग में भी करीबन 5-10 केजी का बैग के वजन 10 किलो का पूरा, पूरा हालत टाइट हो जा रहा है मेरा। ये पूरा हालत टाइप हो चुका पूरा, ये चेक कर सकते हो, बहुत सारे लोग ऊपर आ रहे हैं, और भी यहाँ से 75 बहुत चढ़ना पड़ता है, बहुत चढ़ना पड़ेगा, इसे बैठूंगा तो नहीं चढ़ पाऊँगा, चलना पड़ेगा भाई, पूरा हालत टाइट हो चुका है मेरा, बड़ी बात है, पूरा हालत टाइट हो चुका है, चलो चलता हूँ, थोड़ा बैठने के बाद थोड़ा हिम्मत आ रहा है, चढ़ जा रहा हूँ फिर बैठ रहा हूँ, कैमरा चालू है भाई, हाँ बहुत जरिए देखो ना, हो टाइम लगेगा लग रहा है, अभी तो थोड़ा ही आए हैं, इतना बस आए हैं और इतना बाकी है पूरा, भाई साहब फट के पूरा हाथ नाच चुका है अभी, और आधे पे आधे लड़के नीचे आधे ऊपर, आधे कहाँ कहाँ है, पूरा हालत टाइट हो चुका है, और ये बहुत दूर है, चढ़ने का हालत में अभी नहीं, बस हवा निकल गई, पूरा हार्ट बीट बाहर सुनाई दे रहा मेरे को, बहुत से लोग आ रहे हैं, जगह नहीं था जगह इतना फेमस होगा, बहुत से लोग आ रहे हैं ऊपर, जा नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर, नहीं इधर बैठ नहीं रहा, हेलमेट आनते गेंदा जैक राइडिंग जैकेट हेलमेट आनते तोले सुई थी पारी पूरा ना कसा था गेंदा उड़ती थी के, जितने लोग पहले से आए वो लोग नहीं आए, वो नीचे रह गए अपना हेलमेट और राजनी के, वो देख रहे हैं मतलब गार्ड कर रहे हैं, कोई चुराने ला जाए चुरा के ना ले जाए, शुभम जी जोगे नहीं, और लड़कियाँ भी आ रही हैं ऊपर, मारना पड़ेगा भाई हिम्मत, चल अपन लोग में हिम्मत नहीं है लड़के होकर, बहुत रुक लिए चलते हैं पूरा, मतलब मेरे को भाई साहब इसे आ रहे हैं लोग पूरा, देखता हूँ टाइट हो जा रहा है मेरा पूरा, लगता है ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है पूरा, यहाँ साथ चेक कर सकते, थोड़ा थोड़ा व्यू आ रहा होगा, क्लियरली नहीं आ रहा होगा, और भी बहुत ऊपर यार, पूरा पसीना से पूरा फट चुका है मेरा, रुक के लगता है सिलाना पड़ेगा मेरा, इतना फटा है अभी, इमरान की भाई दे बैठे हैं, कहाँ हुआ ख़त्म, भैया हाथ पर टाइट हो चुका है, डॉगी ऊपर आया पूरा, मानना पड़ेगा यार, कौन दिया भैया इसका, लूनी लूनी
मारना पड़ेगा यार, डोगी ऊपर लेके आया पर हमारा टाइट हो चुका है भाई। लड़की चढ़ चढ़ लड़कियाँ चढ़ रही हैं, डोगी चढ़ रहा है, हमारा तलट हमारे यहाँ टाइट हो रहा है। लेट्स गो बॉयज। तो अभी चढ़ते हैं फिर, और थोड़ा दूरी है बोल रहे हैं तो सब देखते हैं और कितना दूर है भाई। पूरा इतना इतना थक चुका हूँ, पूरा हिम्मत नहीं हो रहा है। आप व्यू चेक कर सकते हो यार, मस्त व्यू आ रहा है ऊपर से पूरा। ये हमारा सुमित भैया झंडा लेकर पूरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा तो पूरा हालत टाइट हो चुका है, चलते हैं और भी ऊपर है। जगह चेक कर सकते हो पूरा, भयंकर जगह है। और कोई यहाँ से गिरा तो भाई समझ सकते हो क्या होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पानी पानी भी हुआ है, स्लिप मार रहा है पूरा, देख के चलना पड़ेगा। और स्लिप हुआ नीचे गए तो पूरा खत्म। पूरा हर तरफ और भाई सच में मैंने पोस्टल हो गया पूरा। ओ स्लीप है वहां है आड़े तुम्हें वो चलाया पूरा, पकड़ लेना भाई। देखो गाइस स्लीप है, वो है इंडियन, वो है इंडियन, पाकिस्तानी नहीं है, वो इंडियन है। वो कहीं होता है भाई, कैमरा में नहीं होता। कैमरा में फोकस करो भाई, यहां देखो झंडा फैलाओ, जल्दी फोकस करो। फोकस करो, गांड दिखाओ, गांड मारो जी, फोकस करो कैमरा में। ऊपर आगे मैं आपको एक बार व्यू चेक कराता हूँ कैसा आ रहा है। ये रखता हूँ बैग वगैरह भाई साहब, आपको व्यू चेक कराता हूँ। ये देखो भाई व्यू देखो, कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे। और हमारा बाइक वगैरह सब वहाँ पे पार्क है पूरा नीचे उस तरफ। ऐसा चम्मच व्यू है यार, फुल पैसा वसूल यार, फुल पैसा वसूल पूरा। यहाँ पे पानी जा रहा है, फुल पावर पानी जा रहा है इधर से। और वो तो यहाँ पे पिकनिक विकनिक करने आए हैं, इस तरफ से पिकनिक करना, वहाँ पे पेंटिंग भी हो रहा है सर। भाई व्यू चेक करो, और इधर हम इधर रखा है और इधर छाँव में बैठा हूँ पूरा भाई। एक आधा घंटा हो गया होगा इधर बैठा हूँ पूरा, हालत टाइट हो गया पूरा। यहाँ पे बैठ के बस वहाँ बैठ के बात बात कर रहा था, बहुत सारे लोग इधर यार। पेड़ तो पूरा गीला हो जाएगा मेरा लग रहा है, जितना पानी जा रहा है यहाँ से। वो अभी पूरा वहाँ पे जा रहे हैं उस साइड पर, उधर जा रहे हैं अभी। सब शूज वगैरह खोल रही हैं, पैंट तो ऊपर करते हैं। पूरा पानी ठंडा ठंडा पानी है पूरा, अभी वहाँ पे जा रहे हैं। और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वहाँ पे कैंपिंग भी चल रहा है, फुल गाड़ी कैंपिंग भी कर रहे इधर। और यार भाई व्यू मतलब पूरा जन्नत जैसा प्लेस है। अभी पंकज मेरा बैग पकड़ाया तो अभी चल पा रहा हूँ, नहीं तो पूरा मतलब बैग ही मेरा 10 केजी का है पूरा, चल भी नहीं पा रहा था भाई। पानी में पैर गया, इतना शांति लगा पूरा, पैर पूरा शांत लगा, अभी गोरा चिट्टा पैर हो गया मेरा पूरा, अभी जितना गोरा नहीं था उतना गोरा हो गया मेरा पैर।
left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. और निकल रहे हैं अभी यहाँ से, सभी निकल चुके हैं, मैं पूरा लास्ट में निकल रहा हूँ। सभी लोग बस वीडियो बना रहे हैं। 4:35 हो चुका है यहाँ से निकलते हुए अभी, तो नीचे हम आ चुके थे करीबन 3 या 3:45 को ऐसा आ चुके थे नीचे, क्योंकि क्या बोलते हैं कि हमारा जो बाकी सभी लोग होते हैं, बहुत से लोग नहीं आए थे इसलिए उनको वेट कर रहे थे। भाई इतना मतलब ट्रैकिंग आपको ब्लॉग में देख के पता चल चुका होगा कितना ट्रैकिंग किया हुआ है। भाई साहब पूरा हालत बैंड हो गया, पूरा टाइट हो गया था हालत। तो अभी क्या हुआ, पंकज भाई का बाइक मैंने चला रहा हूँ, निंजा 300, वो मेरा बाइक चला रहा है, सामने यहाँ मेरा बाइक जा रहा है यहाँ पे। भाई क्या बैटरी स्मूथ बाइक है इसका, और इसका जो सीटिंग पोस्चर होता है वो मेरे को थोड़ा अलग अलग लग रहा है, और मेरे को थोड़ा पावर ड्रॉप ऐसा मतलब फील हो रहा है, लेकिन पावर ड्रॉप नहीं है। बाइक को जब घेच रहा हूँ बाइक निकल रहा है, फिर स्लो हो रहा है, और बाइक का पूरा हालत गंदा होकर रखा है। घर जाऊँगा जब बाइक पूरा साफ करूँगा अच्छे से। और ये भगा रहे हैं सब, मतलब जो निंजा 300 है इसका जो इंजन का स्मूथनेस है ना भाई, पूरा मक्खन स्मूथनेस है पूरा बाइक का, भाई सच्ची बता रहा हूँ। मतलब पहले छोटा थोड़ा अटक रहा है, फिर जो खींच रहा ना भाई फेंक दे रहे पीछे पूरा भाई। तो ये रहे सही बाकी हमारे लोग। तो यहाँ पे बाकी सब रुके थे, हम पीछे पीछे जा रहे हैं। तो जो बोलता ना पोस्चर भाई पूरा अलग ही है, और जो फील आता है ना बाइक का, निंजा का भाई पूरा अलग ही फील है बाइक का, सच्ची बता रहा हूँ। और क्रेज अलग है, और बाइक का फील भी पूरा अलग है बाइक का। और मेरे सिर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है हेलमेट की वजह से, बहुत टाइम हो गया नहीं पहना था हेलमेट, और अचानक हेलमेट पहन लिया तो, और गला भी थोड़ा पेन कर, मतलब पीछे का जो गला होता है वहाँ पर पेन हो रहा है नेक में मेरा। हेलमेट जो वजन है तो बहुत, 1 ईयर के बाद शायद ये लॉन्ग राइड कर रहा हूँ मैं, इतना लॉन्ग राइड नहीं भी कर रहा था बीच में। तो अभी यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स वॉर्ट्स लेना चाह रहे हैं, कुछ ये हमारा लाइनअप है, R15 M, NS200, NS200, निंजा 300, मेरा बाइक इधर है NS200, फिर R15 M है या कुछ पता नहीं, NS160, NS200, D1590, R15, 220, जावा, R15, और ये हमारा निंजा ड्यूक, D1290, अपाची इंटरसेप्टर 125 NS, और ये हमारा लास्ट में है पूरा अपाची 200। तो कुछ ये हमारा लाइनअप है, और यहाँ पे जा रहे थे तो मंदिर आया बीच में तो यहीं पे रुके हैं, और ये कुछ ऐसा हमारा लाइनअप है मस्त पूरा। और एक फ़ोटो भी क्लिक कर देते हैं पूरा फुल ड्रोन बॉट शॉट कुछ लेना चाह रहे हैं सब, तो कुछ ड्रोन शॉट लेंगे तो अच्छा आएगा, और उसके बाद देखेंगे निकलेंगे घर के लिए।
सो अभी सुवन भैया हमारा हुईली मार रहे हैं। मौसम हो ही था अभी। लॉन्ग लॉन्ग हुई ली, अभी उस साइड से देख मारेगा। अभी यहाँ से हुई ली ड्रैग रेस पूरा भयंकर भगा रहे हैं, जो जितना पार निकाल सकता है निकाल रहा है पूरा। आगे जा रहे हैं 390 इंटरसेप्टर, उसके बाद R5। और एक्चुअली में क्या हो रहा है, बाइक में पीछे झंडा लगा है इसलिए बाइक इतना स्पीड नहीं पकड़ रहा है, जो जितना हो रहा है बस भगा रहे हैं बस। बरगढ़ भी नहीं पहुँचे हैं, बाहर बीच में रुके थे वो उस मंदिर के लिए। आपको ड्रोन शॉट भी शायद मिल जाएगा, अगर मेरे को मेरा ड्रोन शॉट तो डाल दूंगा वीडियो में। तो यहाँ पे ये सीसीटीवी लगा है, स्पीड कैम। हमारा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा तो आगे का नंबर प्लेट ही नहीं है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। तो अभी यहाँ पे रुके थे थोड़ा और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, खाने के लिए रुके थे इधर। तो अभी जो क्या बोलते हैं, हम इंटरसेप्टर राइड कर रहा हूँ। अभी इंटरसेप्टर 650 इसको राइड कर रहा हूँ, नया बाइक अपना स्वास्थ्य जाएगा जिसमें एग्जॉस्ट लगाए। फिर 390 में हुई चेक करो, मौसम हुई हुआ। और भाई इसका जो इंजन है भाई क्या हीट मार रहा है, कि जैसे एक हाथी को चला रहा हूँ ऐसा लग रहा है पूरा। इसका जो इंजन पूरा पास में ब्रेक के, तो इसको मेरे को थोड़ा चलाने में भी और लग रहा है बाइक पूरा। और जितना ही बाइक है यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही एक लाउड है, लाउडेस्ट बाइक है पूरा। और ये अपनी वेनम, फिर मेरे को कैमरा कैसा, तो कैमरा कैसा होगा पता नहीं भाई। मेरे पूरा हेलमेट के वाइजर में हर तरफ मच्छर घूम कर लटक चुके हैं और अभी तक वही इंटरसेप्टर ही चला रहा हूँ कंटिन्यूसली। इतना दूर तो नहीं हुए हैं, लग जाएगा बुल्ला आने में और थोड़ा टाइम लगेगा, बुल्ला के पास हैं। और भाई साउंड बहुत ही लाउड है भाई, बहुत ही लाउड साउंड है इसका। तो अभी मेरे को संबलपुर पहुँचते करीबन और थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर अड्डापुर निकलूँगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में घर आज, लेकिन जितना होगा उतना चलाऊँगा। घर तो जा पाऊँगा, इतना दम है, आराम से जाऊँगा पूरा। ये बीच बीच में डाइवर्जन है, कोई देख नहीं रहा है कुछ नहीं, जहाँ से पाए वहाँ से निकल रहे हैं सब।
इसलिए सभी को बाय बाय बोल दिया, चलते हैं। तो अभी इसमें भी चार्ज नहीं है बिल्कुल, 24% है अभी। तो अभी कुछ नहीं, ब्लॉक करूँगा, डायरेक्ट घर जाऊँगा अभी। हाँ, तो अभी संबलपुर था तो पेट्रोल पेट्रोल डाल दिया, टंकी फुल कर दिया फुल, और फुल पावर अभी निकल रहा हूँ पूरा घर के लिए। तो टाउन से नहीं जा रहा हूँ, बाईपास से जा रहा हूँ पूरा। तो और इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसका पीछे जो डीबी किलर है उसका जो क्या बोलते हैं डीबी किलर का जो ग्लू ब्लू डाल के टाइट किया था वो फिर लूज़ हो गया और जिन 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 ऐसा साउंड कर रहा है निकल गया। तो बाद में कहीं पे गिर भी गया तो देगा फिर भर भर साउंड देगा बाइक। और सिर भी बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा है अभी, हेलमेट पहना हूँ और ट्रैकिंग वगैरह के वजह से। तो चलते हैं घर और आपको डायरेक्ट घर पे मिलता हूँ, और ब्लॉक करने का हालत में भी नहीं हूँ, और ऐसे ब्लॉक करूँगा तो ब्लॉक बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर बीच में कुछ हुआ या फिर कोई कुछ बात करना याद आया कुछ बात करने का तो बीच में कैमरा ऑन करके बात करूँगा। तो इसमें अभी चार्ज भी नहीं है, रखते हैं कैमरा को, बंद करते हैं अभी। सो गाइस, मैं कल रात को 9:30 पे पहुँच गया था घर, तो तब फुल टायर था। तो अभी तक भी आप पता देख सकते हो मेरे टायर ही लग रहा हूँ, तो फुल टायर था तो ब्लॉग एंड नहीं कर पाया, डायरेक्ट आके खा पी के सो गया था। कैमरा का बैटरी भी ख़त्म हो गया था, और इधर आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो एडिट कर चल रहा है। तब अभी फिर देखा कि नहीं ब्लॉग एंड नहीं किया था, तो इस वजह से आज ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। तो आपको अपना जो क्या बोलते हैं जब जहाँ पे गए थे वो आपको कैसा लगा, व्यू नेचर कैसा लगा आपको, वो जगह का नाम शायद शिशुपाल था, छत्तीसगढ़ में था वो, तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और अभी पापा के ऑफिस में वेट कर रहा, एडिट वेडिट कर रहा हूँ सब। तो मिलते हैं इससे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर। Yeah!